हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं। यदि इन सब के कुल सिर 240 तथा 640 पैर हों तो मुर्गियों की संख्या बताइए। प्रश्न में बताया गया है किसान है, उसके पास कुछ मुर्गियां हैं तथा बकरियां हैं जिनके सिर 240 हैं और पैर 640 हैं, तो मुर्गियों की संख्या हमें बताएं। मुर्गी और बकरी दोनों की संख्या मिलाकर जितने सिर हैं उतनी ही होगी, तो बकरी प्लस मुर्गी की संख्या बराबर कुल सिर, क्योंकि जितने सिर होंगे उतने ही बकरी और मुर्गी की संख्या होगी, तो कुल सिर हैं 240, तो बकरी प्लस मुर्गी की संख्या हो गई 240। इसके लिए हम शॉर्ट फॉर्मूले का यूज करेंगे। जो फॉर्मूला है, जो पैर की संख्या दी गई है, पैरों की संख्या माइनस 2 गुणा सिरों की संख्या, और 2 से भाग कर देना है। पैरों की संख्या 40 माइनस 2 गुणा सिरों की संख्या है 240 बटे में 2, 2 का इसमें गुणा कर देंगे, हमें मिल जाएगा 160, और 2 से कर देंगे भाग, बकरी की संख्या हमें मिल गई 80। हमें बतानी मुर्गियों की संख्या है, तो मुर्गियों की संख्या बराबर जितने सिर थे उसमें से बकरियों की संख्या को हम घटा देंगे, मुर्गियों की संख्या हमें मिल जाएगी 160।